ब्लॉगिंग, आजकल बहुत सारे लोग अपना नया ब्लॉगिंग चैनल खोल रहे हैं तो कंफ्यूज है कि DSLR ले ब्लॉगिंग के लिए या फिर एक आईफोन ले, क्योंकि कुछ बड़े यूट्यूबर DSLR से भी काम चलाते हैं और कुछ सिर्फ आईफोन से ही बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आप कंफ्यूज है कि DSLR पर पैसा खर्च किया जाए या फिर एक आईफोन पर, तो इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट है। दोस्तों अभी मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ब्लॉगिंग का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको DSLR के बारे में सारी बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप एक DSLR लेते हो ब्लॉगिंग के लिए तो आपको एक वाइड लेंस लेना पड़ता है ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर पाए। तो यहाँ पर जो वाइड लेंस होगा लगभग आपका 20,000 रुपया लगने वाला है वाइड लेंस के लिए, और आपका DSLR आप कौन सा ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऑटो फोकस वाला बढ़िया जैसा DSLR ले रहे हो तो कम से कम आपको 40,000 तो कम से कम खर्चना ही पड़ेंगे। तो 40,000 आपके DSLR की होगी, उसके बाद आपका लेंस आएगा 20,000 आप और जोड़ लो, फिर उसके बाद आपका खर्चा होगा माइक का, क्योंकि माइक आपको लेना ही पड़ेगा। इस बजट में आपको कोई भी ऐसा कैमरा नहीं मिलेगा जो कि आपको अच्छा माइक देगा। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, आपको एक्स्ट्रा बैटरीज लेना पड़ेगी। नॉर्मल DSLR की बैटरी सिर्फ 30 मिनट निकाल के देती है, तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको 4-5 बैटरीज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगी। तो एक बैटरी कम से कम आपकी 3,000 की आती है कैमरा की, तो वो आप जोड़ लो, वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। और उसके बाद आपको मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ेगा, कम से कम 64GB चाहिए अगर आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और बाकी आप ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको 64GB से भी ऊपर जाना पड़ेगा, और फास्ट मेमोरी कार्ड लेना पड़ता है, तो मेमोरी कार्ड भी आपका महंगा आता है। और बाकी DSLR की बात करें तो इसमें आपको फायदा ये रहता है आपकी लो लाइट में अच्छी वीडियो बन जाती है, और दूसरा आपको डे लाइट में भी अच्छी मिल जाती है परफॉर्मेंस। आपको बस लेंस चेंज करना पड़ता है अगर आपको लो लाइट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। तो ब्लॉगिंग के लिए अगर आपको लो लाइट वाला कोई अच्छा जैसा लेंस चाहिए तो बहुत महंगा हो जाता है। और इसके बाद मेरे जो अगला एक्सपीरियंस है, जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ DSLR के साथ में, ज्यादा देर तक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ दुखने लगता है, DSLR थोड़ा भारी होता है, उस वजह से हाथ में दर्द हो जाती है। और आईफोन की बात करें उसमें काफी इजी रहता है, एक हाथ से पकड़ो जब मर्जी ब्लॉगिंग बनाओ, पता भी नहीं चलता कि ब्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब इतना इजी रहता है, स्मूथ हो जाता है आईफोन के साथ में ब्लॉग बनाना। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हो तब DSLR आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको आईफोन ही लेना चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले सौरभ जोशी ब्लॉग्स का, तो वो भी डेली ब्लॉगिंग के लिए आईफोन ही यूज करते हैं, उनके पास सोनी A7S3 है जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का कैमरा है वीडियोग्राफी के लिए। पूरे सेटअप की बात करें विद लेंस तो 5-6 लाख का वो सेटअप पड़ता है, तो वो भी है पर फिर भी वो आईफोन के साथ में ब्लॉगिंग करते हैं। तो आईफोन की ये एडवांटेज है कि आप कंफर्ट होकर कहीं भी वीडियो बना सकते हो, पब्लिक प्लेस में भी। और जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं, अगर आप पब्लिक प्लेस पे ब्लॉग बना रहे DSLR के साथ में तो सभी लोग देखने लगते हैं कि क्या कर रहा है ये सब। इस मामले में आईफोन काफी हेल्प करता है। और एक और बात, जब आप DSLR के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आपको ट्राइपॉड भी लगाना पड़ता है, और ट्राइपॉड को बिल्कुल स्टेबल पकड़ना पड़ता है। अगर आप थोड़ा बहुत ही शेक करोगे तो आपकी वीडियो स्टेबल नहीं बनेगी, वरना आपको बहुत ही महंगा कैमरा लेना पड़ेगा जो कि 3-4 लाख का पड़ता है। और यहाँ पर हमारा आईफोन जो है ना वो सीधा बिना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन की स्टेबिलाइजेशन बहुत अच्छी आती है। अगर आप 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, नो डाउट आप रनिंग करो, काफी अच्छी स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड आती है। अगर आपको DSLR के साथ में वैसी स्मूथ वीडियो चाहिए तो आपको गिम्बल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आईफोन को लेकर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूं, अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाना चाहते हो तो आपको ये एक केबल लेना पड़ती है जो कि 900 की आती है। उसके बाद आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो अपने आईफोन के साथ में। तो वैसे तो आईफोन का अपना माइक भी काफी बढ़िया है, पर फिर भी जब मैं एडिटिंग करता हूँ मुझे करेक्शन करना पड़ता है। अगर मैं एक्सटर्नल माइक यूज करता हूँ तो मुझे करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आईफोन के साथ में भी बेसिकली आपको एक्सटर्नल माइक लेना पड़ता है अगर आप अपना एडिटिंग का टाइम बचाना चाहते हो, वरना थोड़े बहुत प्रीसेट्स वगैरह आप सेव कर सकते हो अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, वो भी काम चल जाता है अगर आपको माइक लगाना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने आईफोन में एक और बात नोटिस किया है, जब हम ऐसी जगह पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा पेड़ वगैरह ज्यादा है, आंखों से तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, पर जब हम आईफोन से रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम तो हमें लगता है कि वीडियो काफी अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट क्वालिटी लगती है। पर जब यूट्यूब पर दूसरा पर्सन उस वीडियो को देखता है, तो इंडिया में ज्यादातर लोग 480 पिक्सल पर देखते हैं, तो उस टाइम आईफोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो की क्वालिटी काफी कम हो जाती है। तो कुछ ऐसी जगह पर अगर आप ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो जहां पर पेड़ों ने धूप को रोका हुआ है और लाइट अच्छी खासी है, तो उस टाइम DSLR बेस्ट है। तो यहां पर अभी मैं DSLR और आईफोन दोनों से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और सेम वही लाइटिंग कंडीशन है, पेड़ है यहां पर बहुत सारे और सनलाइट काफी रुकी हुई है। और यहां पर बात ये आती है, DSLR के साथ में रिकॉर्ड करते हो तो जब दूसरा पर्सन यूट्यूब पर आपका ब्लॉग देखेगा तो अगर वो लो क्वालिटी में देख रहा है तो उसे अच्छी क्लियरिटी दिखेगी, और सेम केस अगर आईफोन के साथ में होता है लो क्वालिटी में वीडियो देख रहा है तो वहां पर क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मजा नहीं आएगा देखने वाले को। तो इस केस में DSLR जीत जाता है। और यहाँ पर आईफोन में हमें
है अल्ट्रा वाइड लेंस में मिलता है, तो अल्ट्रा वाइड में लो लाइट में वीडियो क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अगर आप पूरी सनलाइट में रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो इस मामले में भी हमारा DSLR जीत जाता है। पर इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस लेना पड़ता है जो कि आपकी एक अलग से इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आईफोन के साथ जब आप ब्लॉगिंग करो तो आपको इन बातों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि लाइटिंग कंडीशन कैसी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर ब्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ता है, वरना उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। और DSLR है आपके पास तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है, आप किसी भी लाइट कंडीशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बस आपको लेंस चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी आपको डिसीजन लेने में लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूं। देखो अगर आपके पास पैसा है ठीक ठाक और आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी ही देना चाहते हो, तो आपको DSLR की तरफ ही जाना चाहिए। इसके लिए आपको माइक लेना पड़ेगा, बैटरीज लेना पड़ेगी, मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, गिम्बल लेना पड़ेगा, कैमरा के लिए लेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो और हाथ दर्द का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेसिक DSLR की तरफ जाओ, DSLR बेस्ट। और DSLR को लेकर भी कंफ्यूज हो कि कौन सा DSLR लेना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बजट के अकॉर्डिंग लो बजट से थोड़ा हाई बजट तक आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, बेस्ट में छांट के रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनमें से कोई भी ले लेना। अब बात करें हम आईफोन की, तो आईफोन उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है और वो अच्छी क्वालिटी की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, स्टार्टिंग के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि आईफोन में ब्लॉगिंग के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ आईफोन चाहिए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बट यदि आप ऑडियो क्वालिटी सुधारना चाहते हो तो आपको एक माइक लेना पड़ेगा। मैं आपको सबसे अच्छे माइक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बजट वाला होगा, एक थोड़ा प्रीमियम वाला होगा, और साथ में आपको ये वाली केबल लेना पड़ेगी जो कि ओरिजिनल ही लेना पड़ेगी आपको, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सीधी सी बात ये है, अगर आपका बजट कम है तो आईफोन बहुत अच्छी ऑप्शन है, आईफोन आप ले लो ब्लॉगिंग के लिए। पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, आईफोन वो लेना जिसमें वाइड लेंस भी देके रखा है, क्योंकि वाइड लेंस की काफी जरूरत पड़ती है ब्लॉगिंग के लिए। सिंगल लेंस वाला आईफोन मत लेना ब्लॉगिंग के लिए, फिर आपको पछतावा होगा। इससे अच्छा यही है कि आप दो लेंस वाला आईफोन लेना, क्योंकि ब्लॉगिंग ज्यादातर वाइड लेंस के साथ में होती है, क्योंकि एरिया वगैरह ज्यादा दिखाना होता है तो वाइड चाहिए होता है। और दूसरी बात, आप अपने आईफोन में वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और DSLR में आप नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। आप YouTube की वीडियो आईफोन से रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद में आईफोन से ही अपलोड कर सकते हो। आईफोन में बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में और काफी अच्छी आप वीडियो एडिटिंग उनमें कर सकते हो। तो कुल मिला के यही थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको सब कुछ पता चल चुका होगा, आप डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए आईफोन अच्छा है या फिर आपके लिए DSLR। सारी बातें मैंने आपको बता दी, और आप चाहें तो अपने आईफोन के साथ में ट्राइपॉड वगैरह भी लगा सकते हो, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में बता के रखा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।